महाराष्ट्र समेत देश भर में रामनवमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया इसी कड़ी में महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में रामनवमी की धूम देखने को मिली शहर में राम भक्तों द्वारा भव्य रामनवमी के अवसर पर भगवान राम का जुलूस निकाला गया भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए आपको बता दें कि राम भक्तों ने इस जुलूस में के साथ साथ अगर बात करें तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए नांदेड़ शहर के मूथा चौक पर आयोजित इस भव्य जुलूस में बीजेपी उम्मीदवार प्रताप पाटिल चिथिलकर और बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी शामिल हुए इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए तो दूसरी तरफ रामनवमी पर चल रहे भक्ति गानों की धुन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी नेता अशोक चौहान झूमते नजर आए